जवाहिरे रमजान, जवाहिरे एक तो खातून ने कॉल की, कहती है कि मैं रोजाना दो रकात नफल अदा करती हूँ, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, और ये हदिया मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर करती हूँ, क्या ये मेरा अमल ठीक है? अच्छी बात है, हर उम्मती को करना चाहिए कि वो जो दुरूद पाक पढ़े तो आप सरकार अलैहिस्सलाम की नज़र करें और रोज़ाना कुरान से कुछ ना कुछ आपके लिए नज़र करे, तो उससे ये होता है कि हमारा एक कल्बी ताल्लुक, रूहानी ताल्लुक बनता है दरबार रिसालत से, और ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि हमें करना चाहिए हमारे लिए, कि इससे हमें फ़ायदा है, हमें रूहानी तरक्की होती है। और अगर कभी भी बारगाह रिसालत में हमारा भेजा हुआ हदिया कबूल कर लिया गया तो हमारी आखिरत भी सुधर गई, हमारी दुनिया भी सुधर गई। तो ये तो हमारे लिए एजाज की बात है कि हमें करना चाहिए, और जितनी कसरत से कर सकते हैं तो कुछ पाक पढ़कर आपको हदिया वो करना चाहिए। हमें हाफजे के लिए ये है कि आयतल कुर्सी तो पढ़ती हैं वो, आयतल कुर्सी की जो आखिरी कलमात हैं वलयहफिज़ुहुमा, इसके बाद या हफीज़ो कह दें, और या हफीज़ो कहकर बहक के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो ये अमल 7 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें, पानी में दम करके पिए तो हाफ़िज़ा बहुत अच्छा हो जाता है इसमें। जवाहिरे रमजान, जवाहिरे